गुड मॉर्निंग बच्चों, जय श्री कृष्ण। बच्चों आज आपके लिए ज्योमेट्री, आपने नाम तो सुना ही होगा, है ना। ज्योमेट्री बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे मैथमेटिक्स का, और ये प्रायः बच्चों के लिए सिरदर्द बन जाता है ना। तो मैं अपने समझ के आधार पर ज्योमेट्री को कैसे एक जगह रखा जाए, यानी कि ज्योमेट्री में इतने सारे टर्म्स हैं, इतने सारे चीज़ों को एक साथ कैसे हम याद रखें। मैं अपने स्तर से कोशिश किया हूँ कि इसे आसान से आसान तरीके से आपके सामने रखूँ। देखते हैं ये आपके लिए कितना यूजफुल होता है, वो आपके कमेंट ज़रूर बताएंगे। चलिए थैंक यू, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला चीज़ है हमारा ज्योमेट्री। ज्योमेट्री दो शब्द से मिलकर के बना हुआ है। सबसे पहला है जियो और दूसरा है मैट्रॉन, ठीक ना। जियो का मतलब होता है रिलेटेड टू अर्थ, पृथ्वी पृथ्वी, और मैट्रॉन का मतलब होता है टू मेजर समथिंग, यानी कि किसी चीज़ को मापना। यानी कि पृथ्वी यानी कि जमीन, जमीन को मापने से शुरू हुई थी हमारी ज्योमेट्री की कहानी। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा बुक्स में लिखा गया है जो मैं पढ़ा हूँ, कि आपने अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है इसका नाम सुना होगा। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में एक देश है इजिप्ट, सही है ना। इजिप्ट से होकर के नील नदी बहती है, नील नदी में बाढ़ आने के कारण वहाँ के पूरे एरिया में जो भी खेत उगरा होती थी उसका जो आरी होता है ना वो टूट जाता था। तो कैसे इसको मापा जा सके, कैसे एक पेपर पर रखा जा सके ताकि अगर बाढ़ से वो एरिया बर्बाद भी हो जाए तो फिर कैसे जिसका जितना ज़मीन था वो लिया जा सके। यहाँ से शुरुआत हुई थी हमारी ज्योमेट्री की, यानी कि जमीन को मापने से लेकर के, है ना। अब हम बात करते हैं क्या बच्चों, कि ज्योमेट्री को हम कैसे देख सकते हैं, कि आखिर हम अपने स्टडी में ज्योमेट्री को कैसे रखें और कैसे एक एक पॉइंट्स को हम याद रखें, है ना। तो ज्योमेट्री को जानने के लिए बच्चों इसका ABCD आपको जरूर ही सीखनी चाहिए, है ना। इसका ABCD से हमारा क्या अभिप्राय होता है यार, हम स्टार्ट करेंगे यहीं से। डी स्टैंड्स फॉर डिलीवर फोर की पॉइंट्स, है ना। चार की पॉइंट्स का मतलब होता है महत्वपूर्ण पॉइंट्स, है ना, महत्वपूर्ण बिंदु है। आखिर वो क्या चीज होती है, इसको हम डिलीवर करेंगे। सी का मतलब होता है कंकरेंट एंड कोलिनियर। हम बात करेंगे कि कोई पॉइंट्स कंकरेंट कब होती है, कोलिनियर कब होती है ना, इनकी जिक्र करेंगे। बी स्टैंड्स फॉर बाइसेक्टर एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सही है ना, याद तो रख सकते हैं इतना। और ए स्टैंड्स फॉर एंगल। हम इन सभी टर्म्स की वन बाय वन जिक्र करेंगे आपके सामने। सबसे पहले हैं डिलीवर फोर की पॉइंट्स, चार मुख्य बिंदु हैं जो मुझे आपके साथ साझा करने चाहिए, वो कुछ इस प्रकार से। बच्चों अगर आप ज्योमेट्री में थोड़ा बहुत भी पढ़े हैं, है ना, आप अगर ये वीडियो खास करके मैं 6th 7th 8th इन क्लास के बच्चों के लिए मैं बना रहा हूँ, तो आपने जरूर सुना होगा पॉइंट क्या होता है। बच्चों पॉइंट को डिनोट कैसे करते हैं, सबसे पहली बात तो कुछ इस तरीके से आप बिंदु, है ना, रख देते हैं। और डेफिनेशन की बात करें तो पॉइंट के बारे में कहते हैं, सर जी इट इज डायमेंशनलेस, मतलब कि इसमें सर कोई विमा ही नहीं होती है, यानी कि इसमें ना तो लंबाई होती है ना ही चौड़ाई होती है, और ना मतलब ये डायमेंशन लेस होती है, सही है ना। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लाइन। लाइन क्या होता है, तो आपने पढ़ा होगा सर लाइन ऐसा कुछ ना कि अगर इसको बढ़ाया जाए ना, एक्सटेंड किया जाए ना, तो दोनों सिराओं से ये अनंत तक बढ़ सकती है। यानी कि इसके अगर लंबाई की बात करें तो सर ये इनफाइनाइट लेंथ की होती है, समझ रहे हैं ना, यानी कि इसमें कोई एंड पॉइंट नहीं होता है और ये दोनों सिराओं दोनों एंड जो होता है इसका एक्सटेंड किया जा सकता है, बढ़ते जाता है बढ़ते जाता है बढ़ते जाता है। लाइन सेगमेंट की बात करते हैं बच्चों, तो सेगमेंट का मतलब होता है टुकड़ा, लाइन सेगमेंट का मतलब होता है लाइन का टुकड़ा। अब मान लीजिए कि यही लाइन है, इसी का हमने यहां से काट दिया और यहां से काट दिया, तो बीच वाला ये टुकड़ा उठा करके हमने यहां रख दिया, तो ये लाइन सेगमेंट हो गया, यानी कि इसी का एक टुकड़ा हो गया, किसी लाइन का एक टुकड़ा। अब इसकी कुछ बिंदुओं के बारे में बात करें, कुछ खास बातें, तो इसमें दो एंड पॉइंट होती है, और इसे एंड पॉइंट का मतलब क्या, यहां और यहां पर ये समाप्त हो गया और इसे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। और इसकी लेंथ क्या होती है, तो फाइनाइट होती है, समझ पा रहे हैं। जहां से ये शुरू होता है इसे इनिशियल पॉइंट कहते हैं, और जहां पर ये एंड होता है उसे टर्मिनल पॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा रे। रे क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हमारे हाथ में टॉर्च है और टॉर्च को हमने जलाया और यहाँ से किरणें निकलना शुरू होती है, हिंदी में किरण कहते हैं रे को। तो एक होती है जहाँ से ये ओरिजिनेट हो रहा है, रे निकल रहा है, तो एक ओरिजिन बिंदु इसकी होती है, समझ रहे हैं ना। और एक तरफ ये चलते जाता है चलते जाता है चलते, यानी कि एक तरफ इसका एंड पॉइंट होता है और एक तरफ चलते जाता है। तो रे को आप कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं कि इधर से सर जी ये हमारा निकलना शुरू हुआ और दूसरी तरफ ये हमारा चलते जा रहा है चलते जा रहा है चलते जा रहा है, समझ रहे हैं ना। इसका डायरेक्शन उधर से इधर भी हो सकता है, इसके लिए परेशान होने
घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा 4 की पॉइंट्स था जो आप जरूर ही जानते होंगे, सही है ना। और इसके अलावा हमारे लिए इसी में डिलीवर 4 की पॉइंट्स के अंतर्गत ही हम 4 मुख्य बातें आपके साथ साझा करेंगे, है ना। 4 की पॉइंट्स था तो हमने सोचा आपको बता ही दे। वो क्या है बच्चों, तो सबसे पहला बात है क्या, देख लीजिए कि यदि आपके पास एक बिंदु कोई हो, है ना, एक बिंदु कोई हो तो इससे होकर के कितनी लाइन पासिस हो सकती है। तो सर जी ये रहा एक लाइन यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, इस तरीके से आप सोचिए, कल्पना कीजिए कितना, मतलब जितना मर्जी उतना हम लाइन एक बिंदु से यहाँ एक पॉइंट से होकर के पास कर सकते हैं। तो हमने क्या सीखा कि थ्रू अ सिंगल पॉइंट देर आर इनफाइनेटली मैनी लाइन विच कैन पास थ्रू दिस, है ना। अंग्रेजी थोड़ी कमजोर है जाने दीजिए, लेकिन एक बिंदु से होकर के इनफाइनाइटली मैनी लाइंस पास हो सकती है, है ना। दूसरा क्या है कि यदि पहले हमने एक पॉइंट का जिक्र किया, इस बार दो पॉइंट ले रहे हैं, दो अलग अलग पॉइंट, ए और बी, दो पॉइंट हमने ले लिया है, तो इससे होकर के कितनी लाइन पास हो सकती है, तो मात्र एक ही लाइन पॉसिबल है बच्चों, इन दोनों बिंदुओं से होकर के एक ही लाइन पॉसिबल है हमारा। तो दो पॉइंट्स आपने सीखा कि एक पॉइंट से होकर के इनफाइनेटली मैनी लाइन पास कर सकती है, और दो पॉइंट से होकर के सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है। तीसरी मुख्य बातें क्या है कि यदि आपके पास कोई लाइन दिया हुआ हो ना, मान लेते हैं ये लाइन दिया हो, तो इस पर कितना पॉइंट्स लाई करता है, तो लाइन है भैया तो इधर भी बढ़ता रहेगा, इधर भी बढ़ता रहेगा। पॉइंट की बात करें तो यहां 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 यहां, मतलब इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स लाइज ऑन अ लाइन, कोई दिक्कत तो नहीं। अब चौथा इंपॉर्टेंट चीज वो क्या है ना कि दो लाइन के बीच का संबंध क्या हो सकता है, समझ रहे हैं ना। तो बच्चों दो लाइन के बीच का संबंध ये हो सकता है कि या तो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, समझ पा रहे हैं ना, या तो फिर ये कभी नहीं मिलेंगे। इंटरसेक्ट करने का मतलब मैं आपको समझाता हूं, ये दोनों लाइन को देखिए, अगर आगे बढ़ा जाए इसको भी तो क्या ये एक दूसरे को कभी कट करेंगे, नेवर, कभी कट नहीं करेंगे। तो ऐसे स्थिति में से हम पैरेलल लाइन कहते हैं, क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस। और यदि ये एक लाइन यहां पर, एक लाइन यहां पर एक दूसरे को कट कर दे कहीं पर, तो इसे हम इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे, क्या कहेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे। और जिस पॉइंट पर ये कट करती है ना एक दूसरे को, उसे हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहेंगे। यहां पर ये जो बिंदु जहां पर ये एक दूसरे को कट कर रही है यानी कि इंटरसेक्ट कर रही है, इसे हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलेंगे। अब रही बात सर इसके बारे में क्या ख्याल है, तो यहां पर देखिएगा, जब इसे एक्सटेंड कराया जाएगा बच्चों, तो इधर भी मान लीजिए और इधर भी, अगर इधर एक्सटेंड इसे कराया जा रहा है तो देखिए आगे जाकर के कहीं ना कहीं ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर ही दे रहे हैं। तो कोई भी दो लाइन की हम बात करेंगे तो दो ही पॉसिबिलिटीज है कि यदि उसे एक्सटेंड कराया जाए तो या तो वो इंटरसेक्टिंग होंगे यानी कि एक दूसरे को आगे चल करके, नहीं भी कट कर रहे तो आगे चल करके कट कर देंगे, या फिर एक दूसरे को कभी कट नहीं करेंगे। दो ही पॉसिबिलिटीज, कभी कट नहीं करेंगे तो उसे पैरेलल पेयर ऑफ लाइंस, है ना, पैरेलल लाइंस कहेंगे, और एक दूसरे को अगर कट कर देंगे तो उसे इंटरसेक्टिंग लाइंस कहेंगे, और जिस बिंदु पर कट करेंगे उसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहेंगे। ये था हमारा डिलीवर 4 की पॉइंट्स जो मैं आपके साथ डिस्कस करते हूं। अब बात करते हैं कॉन्करेंट एंड कोलिनियर, ये बहुत ही आसान जाएगा बच्चों। कॉन्करेंट का मतलब क्या होता है याद रखिएगा, कॉन्करेंट के लिए तीन लाइंस की हम बात करेंगे, तीन या फिर उससे अधिक, जब तीन या फिर तीन से अधिक लाइन, यहीं पर हम कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक लाइन ये रहा, दूसरा लाइन यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, समझ रहे हैं ना, ये रहा हमारा तीनों लाइन। जब तीन या फिर इससे ज़्यादा भी हो सकता है, जब तीन या फिर तीन से अधिक लाइन एक ही बिंदु से होकर के पास करें, एक ही बिंदु से होकर के पास करें, तो उसे हम कॉन्करेंट लाइंस कहेंगे। जैसे यहाँ पर ये और ये तीनों लाइंस हमारा कॉन्करेंट लाइंस, समझ में आ रहा है। अब बात करते कॉन्करेंट लाइंस, तो हमने समझ लिया है ना, इस बिंदु को क्या कहेंगे हम, इसे कहेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, समझ में आ रहा है ना, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। चलिए याद, हमने डिस्कस कर लिया कॉन्करेंट क्या होता है, अब कोलिनियर की बात करते हैं। बच्चों हम किसी भी तीन पॉइंट का होना जरूरी है, देखिएगा तीन पॉइंट जैसे हमने लिया ए बी सी, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर कहलाएंगे जब हम सक्षम हैं इन तीनों पॉइंट से होकर के एक लाइन खींचने में। यानी कि यदि तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई करता हो, यानी कि रहता हो, एक ही लाइन पर हो, तब उसे हम कोलिनियर पॉइंट्स कहेंगे। उम्मीद करते हैं ये समझ में आई होगी आपको बच्चों। यदि ऐसा नहीं होता है, मान लीजिए कि ए बी और एक पॉइंट हमने यहां पर ले लिया पी, तो क्या ए बी सी कोलिनियर है? हाँ ये कोलिनियर है क्योंकि एक ही लाइन पर लाई करता है। अब अगर मैं पूछूं क्या ए बी और पी कोलिनियर है, तो कहेंगे नहीं, ये कोलिनियर नहीं है क्योंकि ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर नहीं है। एंड दूसरा रीजन, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वी आर नॉट एबल टू ड्रॉ अ सिंगल लाइन पासिंग थ्रू दीज थ्री गिवन पॉइंट्स, सही है ना। तो उम्मीद करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आई होगी कॉन्करेंट क्या होता है, यानी कि तीन और तीन से अधिक लाइन जब एक ही बिंदु से पास करेंगे तो उसे कॉन्करेंट लाइन कहेंगे, और जब तीन बिंदुए एक ही लाइन पर हो तो उसे हम कोलिनियर
पॉइंट्स कहेंगे, समझ में आ रहा है, या फिर तीन से अधिक बिंदुएं भी हो सकती है, यह बात ध्यान रखिएगा। बात करते हैं बच्चों बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है। बाइसेक्टर का मतलब होता है यार आधा कर देना, क्या चीज आधा कर देना, बाइसेक्ट बाय का मतलब आधा आधा है ना, आधा कर देना। तो हम कहते हैं एक कोई लाइन दे रहे हैं हम आपको, इसका बाइसेक्टर आपको निकालना है, तो क्या आप बाइसेक्टर इसका निकाल सकते हैं? बच्चों कैसे, लाइन का बाइसेक्टर नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि इसका लेंथ पता रहेगा तब तो हम इसे आधा आधा कर देंगे ना, आधा आधा में बांट देंगे, तो लाइन का हम बाइसेक्टर नहीं निकालते हैं। बाइसेक्टर हम किसका निकालते हैं? अब कहिएगा सर रे का निकाल दे, तो रे का भी तो लेंथ हमारा इनफाइनाइट है, पता ही नहीं है, तो कैसे बांटेंगे आधा आधा? तो हम बाइसेक्ट करते हैं किस चीज को? लाइन सेगमेंट को हम बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि इसकी लेंथ कितनी होती है? फाइनाइट होती है, और फाइनाइट लेंथ को हम आधा आधा में बांट सकते हैं। जब कोई भी लाइन, मान लेते हैं यही लाइन है, इस लाइन सेगमेंट को मान लेते हैं ए बी एक लाइन सेगमेंट था, इसको आधा आधा में बांट दे, जितना यहां से ये वाला देख लीजिए ए ओ है उतना ही ओ बी है, तब हम इस लाइन को यदि इसे एल वन कहे है ना, तब एल वन को क्या कहेंगे हम? ये यहां पर ये बाइसेक्टर है, क्या है? बाइसेक्टर है। ये बाइसेक्ट का मतलब क्या? आधा आधा कर देना। लेकिन जब यही L1 मान लेते हैं कोई दूसरा लाइन यहां पर हमने लिया, ये इसको बाइसेक्ट भी कर रहा है, ये वाला जो L2 है ये क्या कर रहा है? इसे बाइसेक्ट भी कर रहा है, और साथ ही साथ इस लाइन सेगमेंट के करस्पॉन्डिंग यहां पर 90 डिग्री का, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए बाइसेक्ट कर रहा है, तब हम इसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहेंगे। उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आ रही होगी चीजें। अब एंगल की बात करते हैं बच्चों, तो एंगल क्या होता है ना, सबसे पहले एंगल को समझ लेते हैं। तो एंगल ध्यान रखिएगा बच्चों, हम यहाँ पर थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं ना, क्योंकि हमें जगह थोड़ा सा चाहिए, वी नीड सम स्पेस। हाय यो या ये क्या कर रहे हैं, तो हम इरेज कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं ना। एंगल क्या होता है, तो देखिएगा बच्चों, जब ये क्या है, एक रे है, क्या है? रे है। रे में ये क्या है, हमारा ओरिजिन पॉइंट है ना, जहां से ये निकल रहे हैं ना, रे हमारा पास हो रहा है, और इधर ये कहीं चलता जा रहा है, बोल देता है ये ओ ए, ये हमारा एक रे है, समझ में आ रहा? तो ये रे यदि अपने इस इनिशियल पॉइंट के अबाउट रोटेट हो रहा हो, मान लेते हैं ये यहां पर था और ये रोटेट, रोटेट मतलब घूमना, इसके अबाउट, यानी कि ये फिक्स है, इसके अबाउट यदि रोटेट हो रहा हो, मान लीजिए कि रोटेट होकर के यहां पर आ गया, ये ओ ए अब ओ बी बन गया, यहां पर ये आ गया, तो ये देखिएगा, हम पूछ बोलते हैं कि कोई आदमी यहां पर था और चलते चलते यहां पर आ गया, तो आप इसका डिस्टेंस कैसे बताते हैं? तो कहते हैं सर ए पर था बी पर चला गया, अगर इसका बीच में 5 मीटर यानी कि डिस्टेंस 5 मीटर है, तो हम कह देंगे कि सर 5 मीटर दूरी ये चला। इसी प्रकार से जब इसे कोई रे अपने इनिशियल पॉइंट के अबाउट यदि रोटेट करता है, तो इस रोटेशन का भी तो कुछ माप होगा यहाँ पर, मतलब मेजर ऑफ रोटेशन होगा हमारा, इस मेजर ऑफ रोटेशन को ही हम एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। और इसे डिनोट किस चीज से किया जाता है हम, तो कई सारी चीजें, कुछ भी मान लेते हैं यहां पर, एक्स बोल देते हैं, थीटा बोल देते हैं, कुछ भी, तो यहां पर एंगल बनना इसे कहते हैं। जब कोई रे अपने इनिशियल पॉइंट के अबाउट रोटेट होता है, तब मेजर ऑफ रोटेशन यानी कि कितना घूमा उसका माप को ही हम एंगल कहते हैं। तो यहां पर एंगल कौन सा बन रहा है? ए ओ बी, ये एंगल है। इसे डिनोट कैसे करते हैं देखिएगा, ए ओ बी, इसको हम हमेशा बीच में रखते हैं, ए ओ बी ये एंगल हो गया, या फिर इसको दूसरे तरीके से भी लिखा जाता है, कैसे बच्चों? तो सिर्फ ये एंगल का ये नोटेशन है ना, तो एंगल एक्स, यहां पर एंगल एक्स हम सिर्फ बोल देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं समझने में, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हम आपको एंगल से रिलेटेड कुछ टर्म्स को बता देते हैं। ये देखिएगा, ये पहले वाला हमारा साइड था है ना, तो इसे इनिशियल साइड कहेंगे, क्या कहेंगे? इनिशियल साइड, या फिर इनिशियल आर्म कहेंगे। ये रोटेट होकर के कहां चला गया? यहां पर फाइनली चला गया ना, तो इसे हम क्या कहेंगे? टर्मिनल साइड या फिर टर्मिनल आर्म कहेंगे, सही है ना। और ये जो पॉइंट है हमारा जिसके अबाउट ये रोटेट हो रहा है, उसे हम वर्टेक्स कहेंगे, VERTEX, बहुत अच्छा, वर्टेक्स कहेंगे। तो ये चीजें आपको समझ में आई होगी, ठीक ना। अब रहा बच्चों की, क्या हम इतना बात कर ले रहे हैं तो क्या हमारा ज्योमेट्री का सारा टर्म्स डिस्कस हो गए? नहीं बच्चों, थोड़ा सा और हमारे साथ जुड़े रहे हैं तो बहुत आसानी से। अब हम एंगल का भी ना ABCD करके रख देते हैं, समझ पा रहे हैं ना, एंगल का भी हम ABCD करके रख देंगे आपके पास। तो रहा कि सर तब डी से क्या हमारा होगा, तो हम कहेंगे क्या बच्चों? डी स्टैंड्स फॉर डायग्राम है ना, डायग्राम किस चीज का? तो एंगल डायग्राम हम डिस्कस करेंगे बच्चों। वो संभव है कि आज का वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आज हम नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन जरूर डिस्कस करेंगे। अब रही क्या, तो यहां पर हमारा सी, सी क्या होता है, सी का मतलब क्या होता है, बी का क्या मतलब होता है, हम सबको डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं बच्चों, है ना। तो सबसे पहली चीज यहां पर जान लीजिए कि सी का मतलब क्या होता है, तो कॉन्ग्रुएंट, क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट, इसको डिस्कस करेंगे, बहुत ही बेसिक है, आसान है। और बी का मतलब क्या होता है? बाइसेक्टर। कहिएगा सर ऊपर में भी बाइसेक्टर है, नीचे में भी बाइसेक्टर, तो बच्चों इस बार एंगल बाइसेक्टर की हम बात करेंगे। और ए से तीन चीजें हम पढ़ेंगे, क्या क्या चीज पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान दीजिए यहां पर हम बहुत ही जल्दी। तो सबसे पहला चीज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे एडजेसेंट एंगल क्या होता है बच्चों, है ना। और उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, एंगल
ऑन अ लाइन, यानी कि एक लाइन पर कितने डिग्री का एंगल बनता है, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एंगल ऑन अ पॉइंट या फिर एंगल अबाउट अ पॉइंट, है ना, एंगल ऑन अ पॉइंट या फिर अबाउट अ पॉइंट, यानी कि एक पॉइंट के अबाउट, एक पॉइंट के चारों ओर कितना डिग्री का एंगल बनता है हम डिस्कस करेंगे। तो डायग्राम के थ्रू मैं आपको डिस्कस करूंगा कि ये एंगल मतलब जीरो एंगल का हमारा क्या मतलब होता है, एक्यूट एंगल क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, स्ट्रेट एंगल का क्या मतलब होता है, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, कंप्लीट एंगल क्या होता है, इन सब चीज़ों को डिस्कस करते हुए फिर मैं आपको बताऊंगा कॉन्ग्रुएंट एंगल क्या होता है। तो कोई भी दो एंगल जिसका मेजर माप बराबर हो उसे कॉन्ग्रुएंट एंगल कहेंगे, सबको डिस्कस करूंगा मैं आपके अगले वीडियोज में, है ना। बाइसेक्टर की बात करते तो कोई भी एंगल है ना भाई, एक कोई ऐसा चीज मान लीजिए ना कि जो इसको आधा आधा कर दे, मान लेते हैं ये 40 डिग्री था, तो ऐसा लाइन जो इसको आधा आधा करके रख दे, ऐसा रे जो इसको आधा आधा करके रख दे, यानी कि 20 डिग्री 20 डिग्री, तो उसे हम बाइसेक्टर कहेंगे। एडजेसेंट की हम बात करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, एंगल ऑन अ लाइन, एक लाइन पर कितना डिग्री का एंगल बनता है वो बात कर रहे होंगे, और एंगल ऑन अ पॉइंट इसको हम डिस्कस करेंगे। ये चीज अगर आप इतना तक कर लेते हो बच्चों, तो आप मैं आपको क्या बताऊं कि आप ज्योमेट्री में बहुत अच्छे कर पाइएगा, है ना। हमारी ये बेसिक चीज है, आप मान रहे होंगे इस बात को। वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा, इसका नेक्स्ट पार्ट इससे भी ज्यादा अच्छा मैं कोशिश करूंगा आपके सामने रखूं। तब तक के लिए दीजिए अनुमति, धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री कृष्ण।